मझोला थाना क्षेत्र में बेकाबू हुई कार ने आगे चल रहे टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों ने फौरन ही जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। रविवार की दोपहर मझोला थाने के नजदीक हाईवे पर दौड़ रही मारुति कार का टायर धमाके के साथ फट गया। टायर फटने से बेकाबू हुई कार आगे चल रहे टेम्पो से जा टकराई, जिससे टेम्पो में सवार सभी लोग घायल हो गए। टेम्पो सवार सभी लोग पागबड़ा से धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने गागन आ रहे थे। दुर्घटना के फौरन बाद ही चालक कार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने गंभीर रूप से घायल राजेश निवासी पागबड़ा, मुकेश निवासी संभल, बाबू निवासी बिलारी को फौरन ही साईं अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मुकेश को मृत घोषित कर उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। वहीं गंभीर रूप से घायल राजेश व बाबू को भर्ती कर उसका उपचार शुरू कर दिया, जबकि मामूली रूप से घायल विशंबर, राम अवतार, टीटू व दिनेश निजी चिकित्सकों से उपचार कराकर घर लौट गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। कितने लोग थे टेम्पो में? टेम्पो में थे साहब 6-7 लोग थे। 6-7 लोग तो कार ने पीछे से टक्कर मारी आपको? हाँ, पीछे से मारी। कहाँ हुआ यार साहब? जी साहब नहीं गांव से पीछे की बात है। हम मझोला थाने के आसपास कहीं? हाँ, वो क्या हुआ ना, वो पढ़ते लिया। हाँ तो क्या हुआ फिर, कितने लोग घायल हुए उसमें? उसमें साहब 4-5 लोग घायल हैं। 5 लोग घायल हुए थे।